हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी पक्षोदी के। लेक्चर 7 स्टार्ट करने से पहले एक इंस्पिरेशनल शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे। सो सभी लोग अपने नोटबुक के एकदम टॉप पे लिखेंगे। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। सो इस इंस्पिरेशनल शायरी के साथ अपना लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्योंकि रिटेन कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 6 में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स, एक डेफिनेशन पार्ट एक असाइनमेंट पार्ट। हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पार्ट में डिफाइन कंपनी कोड और क्लाइंट कर लिया था और हमने कंपनी कोड को भी डिफाइन कर लिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। गो टू द एसएपी लॉग ऑन। लॉग ऑन। SPRO में जाना है, रेफरेंस IMG में जाना है, गो टू द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन पार्ट में जाना है, आप लोगों ने सर्वर परचेज किया है या नहीं किया है फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत सबसे डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली तो ये सबसे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है। मैं नहीं मानता। तो प्रैक्टिस इज मैंडेटरी है यार, मैंडेटरी है प्रैक्टिस, क्योंकि आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है उस पर आपको अपने स्क्रीन शॉट्स जो होते हैं स्टूडेंट धर्मा के वो आपको सेंड करने होते हैं। अगर आप वो डेली करते हो तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप 2 से 3 महीने में SAP के उस लेवल पे पहुँच जाओगे जो SAP MM कंसल्टेंट्स का 2 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। पर नहीं मानता। आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैं 5 times बोलता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको। अगर आप 10 times कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आप वर्किंग नहीं हो, आपके पास टाइम है, अगर आप 10 times कर सकते हो, 15 times कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप करोगे उतना आप यूज टू हो जाओगे और आप इतना इजीली कर पाओगे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? एंड सेकेंड चीज़ कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है, ये जस्ट लाइक ऐसा है कि आप E2A इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, उसी के थ्रू है। हम एकदम प्रैक्टिकली इन सेशंस को करेंगे। लाइक आप हम एट द एंड ऑफ द कोर्स हम 5 से 7 कंपनीज का इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स का पूरा एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन कर चुके होंगे। सो हम सिर्फ हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है वो इसी वे में होने वाला है कि हम जो है एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं 4 या 5 कंपनीज का, जैसे कि उसकी कितनी परचेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके कितने स्टोरेज हैं, उसके कितने प्लांट्स हैं, उसके कितने कंपनी कोड्स हैं। आप किसी के लिए भी कर सकते हो। लेट सपोज आप डावर के लिए कर सकते हो, आप टाटा के लिए कर सकते हो, आप महिंद्रा के लिए कर सकते हो। गूगल से रिसर्च करो, जो आपको मिलता है, जो आपको नहीं मिलता वो अपने अकॉर्डिंग डाल दो, ठीक है। लाइक जैसे आपको ये सब चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, उनके कितने प्लांट्स हैं, उनके कहाँ कहाँ प्लांट्स अवेलेबल हैं, और स्टोरेज लोकेशन में भी आपको ना मिले तो आप स्टोरेज लोकेशन एज्यूम कर लो कि 2 स्टोरेज लोकेशन है, 3 स्टोरेज लोकेशन है, राइट। और ये सेकंड चीज़, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि डेटा स्ट्रक्चर KDS, ओके, आपको एक्सेल शीट में मेंटेन करना है, अदरवाइज आप जो है भूल भी जाओगे इन चीज़ों को कि मैंने क्या इंडस्ट्री टाइप लिया था, क्या मटेरियल टाइप लिया था, क्या परचेजिंग ग्रुप लिया था,
तो आपको KDS जरूर बनाना है हर एक कंपनी के लिए, राइट। तो हम करते हैं, पहले हम जाते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन के बाद कहाँ गए थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरी गुड। देन डिफाइन कंपनी, एग्जीक्यूट करना है डिफाइन कंपनी पे सिंगल क्लिक करके। हमने रेफरेंस लिया था, हम किसी भी कंपनी को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, तो हम 1000 को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। गो टू कॉपी, सेलेक्ट करना है आपको माउस से, उसके बाद कॉपी एज, यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक कंपनी क्या है आपकी, जो भी आप कंपनी कोड दे सकते हो। ये कितना था मैक्सिमम? 6 अल्फा न्यूमेरिक क्लाइंट। सो पहले हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? पहले हमको डिफाइन करना था कंपनी, पहले अपन को डिफाइन करना था क्या कंपनी। तो हम कहां से डिफाइन करेंगे? यहां से डिफाइन कंपनी, राइट। तो हम 1000 को एज अ रेफरेंस ले लेंगे, क्लिक ऑन दिस 1000, कॉपी एज पे जाना है, यहां पर कंपनी जो है वो लेनी है, जो आपने 6 अल्फा न्यूमेरिक जो आपने लिया है। मैंने लिया है PPAP02, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंपनी नेम मेरा है PPAP ऑटोमेटिव लिमिटेड, PPAN ऑटोमेटिव लिमिटेड, राइट। स्ट्रेट, लेट सपोज मेरा नोएडा में है इसका हेड ऑफिस, तो मैं नोएडा सेलेक्ट करूंगा। पोस्टल कोड, राइट, कंट्री सिटी नोएडा, कंट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। इंग्लिश एंड करेंसी INR, एंटर, राइट। तो ये हो गया डिफाइन हमारा क्लाइंट। यहां से सेलेक्ट करना है, सेव करना है। अब ये देखो, ये है मेरा किसी अनदर कंपनी का ये जो प्रॉम्प्ट फॉर्म जो ओपन हुआ है, ये जो रिक्वेस्ट है ये किसी और कंपनी की है, तो मैं अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी है PPAN, राइट, PPAN। तो मैं जो है अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा यहाँ से, क्रिएट रिक्वेस्ट, क्लिक, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है, PPAN ऑटोमेटिव लिमिटेड, राइट, सेव, PPAN ऑटोमेटिव लिमिटेड, कंटिन्यू, ओके। अब हमारा क्रिएट हो गया है क्लाइंट। अब हम क्रिएट करेंगे कंपनी कोड, मतलब डिफाइन करेंगे कंपनी कोड। हमारा कंपनी या क्लाइंट डिफाइन हो गया है, अब हम डिफाइन करेंगे कंपनी कोड। गो टू दिस, एग्जीक्यूट, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, डबल क्लिक ऑन दिस, आपको जाना है कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, इसमें सेलेक्ट करना है कॉपी और गो ऑब्जेक्ट,
समटाइम से थोड़ा टाइम लेता है। फ्रॉम कंपनी कोड, तो आप फ्रॉम कंपनी कोड कुछ भी ले सकते हो जो इसके अंदर अवेलेबल हो, कोई सी भी कंपनी कोड जो है ले सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम भी लिया था, तो ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी कोड्स हैं इस सर्वर में, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। तो होगा क्या, मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको एग्जांपल के साथ बताया था, लाइक जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है चोमो और मैं हूँ, तो हम दोनों एक एग्ज़ाम लिख रहे हैं और हमारा सेम एग्ज़ाम है और मैं उसके एग्ज़ाम को पूरा कॉपी कर देता हूँ। तो मैं जब उसके एग्ज़ाम को पूरा कॉपी करूँगा, तो जो जो मैंने जो उसकी आंसर शीट होगी, वो आंसर शीट डिट्टो मेरी भी होगी। तो मैं अपने रिक्वायरमेंट्स कॉपी होने के बाद, मैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज कर दूंगा। फ्रॉम कंपनी कोड आई टेक के आर आई पी, टू कंपनी कोड पी पी, व्हाट्स दैट, पी पी ए एन, पी पी ए एन, एंटर, कॉपी द जीएल अकाउंट, यस यस, क्या दिया था आपने, आई एन आर, एंटर एंटर एंटर, ट्रांसफर नंबर रेंजेस, एंटर, समटाइम से थोड़ा टाइम लेता है। ये आपकी डेटा स्पीड्स पे भी मैटर करता है कभी कभी, कभी कभी सॉफ्टवेयर ही थोड़ा स्लो चल रहा होता है। अभी हम डेफिनेशन पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम असाइनमेंट देखेंगे। अगर आप ये कर लेंगे तो आप किसी भी कंपनी का जो है क्रिएट कर सकते हो, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर लाइक डेफिनेशन और असाइनमेंट दोनों कर सकते हो किसी भी कंपनी का। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, ठीक है। ये एक फाउंडेशन है किसी भी कंपनी की, स्टार्टिंग आप उसका डेफिनेशन और असाइनमेंट ही करोगे। सो एंटर, कंटिन्यू, देखो अपनी रिक्वेस्ट आ रही है PPAN, क्योंकि हमने अपनी जो है रिक्वेस्ट क्रिएट करी थी एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग क्लाइंट। जिस टाइम हमने क्लाइंट क्रिएट किया था, जिस टाइम क्लाइंट डिफाइन किया था, जिस टाइम हमने अपना क्लाइंट डिफाइन किया था, हमने उस टाइम ही जो है रिक्वेस्ट क्रिएट करी थी। तो अब ये अपनी रिक्वेस्ट आ रही है, अब हमको दोबारा क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक बार क्रिएट करनी होती है जब आप अपना क्लाइंट डिफाइन करते हो। सो एंटर 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 एंटर, कंपनी कोड क्रिप कॉपी टू PPAN विदाउट 61 नंबर रेंजेस, एंटर, कंप्लीटेड एक्टिविटीज, आपको जाना है ये कंप्लीटेड एक्टिविटीज पे, राइट। नाउ दे नाउ सी कंपनी कोड क्रिप कॉपी टू PPAN, तो अपना जो कंपनी कोड है वो कॉपी हो गया है KRIP से। सो बैक जाओ, अब आपको एडिट करना है कंपनी को, क्योंकि जैसे कि हमने कॉपी किया है, डबल क्लिक करके डबल क्लिक करना है एडिट कंपनी कोड पे, डबल क्लिक, क्योंकि जैसे हमने कॉपी किया है तो सारी डिटेल्स उसकी कॉपी हो गई हैं, तो हमको एडिट करनी पड़ेगी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। कंपनी कोड PP PPAN, राइट, PPAN। नाउ सी कंपनी अपनी है, कंपनी नेम क्या है, केसरिया रबर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये कॉपी हुआ है केसरिया रबर इंडस्ट्रीज से, तो सारी डिटेल्स जो है केसरिया रबर इंडस्ट्रीज की कॉपी हुई होंगी।
देख सकते हो। अब हमको उसको सेलेक्ट करना है, आपको डिटेल्स में जाना है, यहाँ से आप अपने कंपनी का नेम चेंज कर दो, पीपी क्या है, PPAN फाइनेंशियल कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, PPAN फाइनेंशियल कहाँ है, नोएडा में है, कंपनी हमारी नोएडा में है, इंडिया, करेंसी INR, इंग्लिश, एंटर एंटर, सेव एंटर। अब अपन को क्या करना है, जाना है एड्रेस में, ये एडिट करने के बाद आपको जाना है एड्रेस में, लास्ट ऑप्शन एड्रेस। तो आप आपको अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो है डिटेल्स जो है चेंज कर देनी है, एडिट कर देनी है। तो नेम क्या है, नेम है PPAN ऑटोमेटिव लिमिटेड, सर्च टर्म्स PPAN, यहाँ पर अपनी कंपनी का कोड देना है PPAN, स्ट्रीट हाउस नोएडा यूपी, नोएडा यूपी, पोस्टल कोड नोएडा। आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर एंटर करना है, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, राइट। यहाँ से आप अपना रीजन चेंज कर सकते हो, तो वो आता है यूपी में, नोएडा, उत्तर प्रदेश। चेंज द पोस्टल बॉक्स ऑफिस, चेंज पोस्टल कोड, राइट। ये डिटेल्स है, लैंग्वेज, मोबाइल फोन, ये भी आप चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल डालने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर। उसके बाद आपको करना है यहाँ से सेव, राइट। अब आप देखो अपना कंपनी, कंपनी कोड डालना है PPAN, एंटर। ये देखो PPAN फाइनेंशियल, आप डिटेल्स में जाके चेक भी कर सकते हो, गो टू द डिटेल्स, एड्रेस सेक्शन में जाना है, नाउ सी सारी डिटेल्स आपकी कंपनी की हैं जो आपने अभी एडिट की थी, राइट। सो हमने क्या क्या कर लिया, हमने डिफाइन कर लिया क्लाइंट, हमने डिफाइन किया क्लाइंट, डिफाइन कंपनी या क्लाइंट, और हमने डिफाइन कर लिया कंपनी कोड। हम डिफाइन करेंगे प्लांट, फिर स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करेंगे, देन डिफाइन करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा हाँ, एक और जरूरी बात, जैसे कि ये ऑनलाइन सर्वर है, आप भी ऑनलाइन सर्वर यूज करोगे, तो लेट सपोज कि मैं भी यही ट्रांजेक्शन यूज कर रहा हूँ, जैसे कि SPRO में जाकर कंपनी कोड डिफाइन कर रहा हूँ, और आप भी SPRO में जाके कंपनी कोड डिफाइन कर रहे हो, तो आपको पता है कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यस्टरडे ये मेरे को मेरे स्टूडेंट चोमू ने पूछा था, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, अगर मैं सेम ट्रांजैक्शन करता हूँ तो उस,
ये देखो आपको ऐसा जो है पॉपअप एरर मैसेज आएगा कि डेटा इज लॉक्ड बाय यूजर एमएम यूजर 24 एंड कैन बी डिस्प्लेड ओनली, डू यू वांट टू डिस्प्ले अ लॉक्ड डेटा। मतलब जो ये जो एमएम यूजर 24 है वो ऑलरेडी इस ट्रांजैक्शन को अभी कर रहा है, मतलब मेरी आईडी है ये एमएम यूजर 24, तो ये ऑलरेडी इसको जो है इस ट्रांजैक्शन को कर रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। आपको ये जो है ये मैसेज जो है आएगा और ये यूज़र है जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा है, राइट? एकदम स्टार्टिंग में आपको ये मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है? आपको ऐसा एक पॉपअप एरर मैसेज आएगा, द डेटा इज ऑलरेडी लॉक्ड, द डेटा इज लॉक्ड बाय यूजर, दिस कैन बी डिस्प्लेड ओनली, डू यू वॉन्ट टू डिस्प्ले लॉक डेटा। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे एंड आपको दूसरा सेशन क्रिएट करना है, राइट? एंड यूज करना है ट्रांजेक्शन कोड SM12। आप ऐसे याद कर सकते हो सेल्स मैनेजर 12, आप कैसे भी याद कर सकते हो जैसे आप रिमेंबर कर सको। सो ट्रांजेक्शन कोड होता है SM12, एंटर, आपको ये स्क्रीन ओपन होगी, राइट? राइट, यूज ट्रांजेक्शन कोड SM12। आप ये ट्रांजेक्शन कोड यूज करोगे तो ये स्क्रीन आपकी ओपन होगी, राइट? फिर आपको जाना है लिस्ट पे, राइट? और फिर आपकी ये स्क्रीन ओपन होगी, ओके? इसमें आपको इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डिलीट करना है, राइट? ओके, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आप अगर एक से ज़्यादा अगर एंट्रीज हैं यहाँ पे तो आप यहाँ से एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल, राइट? सेलेक्ट ऑल, ओके? तो सेलेक्ट ऑल करके आपको डिलीट करना है। ये देखो ये यूज़र लॉग था, ये मैं खुद ही हूँ एम यूज़र 24, ये लॉग था, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, सेलेक्ट ऑल और यहाँ से डिलीट करना है, यस। ओके, ये है आपका सेलेक्ट ऑल, ये है आपका डिलीट,
सेलेक्ट ऑल करके आपको डिलीट करना है। उसके बाद ये मैसेज आएगा आपका, उसको यस करना है, आपको एंटर करना है। राइट, कैंसिल करो। यस, अब सारी एंट्रीज जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। अब देखो मैं यूज़ कर पाऊँगा बैकस्लैश एन SPR। अब अगर मैं चाहता हूँ सेम ट्रांजेक्शन में तो मैं यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने उसकी एंट्री जो लॉक थी उसको डिलीट कर दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफाइंड कंपनी, देखो अब वो मैसेज नहीं आया है कि एंट्री जो है लॉक्ड है बाय दैट यूजर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लॉग आउट कर देते हैं। तो ये आपको नोट्स में दिया है, राइट? ओके, तो हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया कंपनी कोड और क्लाइंट, डिफाइन कर लिया कंपनी कोड और क्लाइंट को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम डिफाइन करेंगे प्लांट को, स्टोरेज लोकेशन को एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो ये है प्लांट को डिफाइन करने का पाथ, राइट? Go to SPRO, then IMG, then Enterprise Structure, Definition, Logistic Journal, Define Copy, Check, Delete Plan. So, करते हैं अपने SAP System पर, Select Your System, User ID और Password दो, Go to SPRO, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में नेविगेट करो, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफाइन होता है क्लाइंट और कंपनी कोड, अब हमको डिफाइन करना है प्लांट, तो हम जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल। गो टू द लॉजिस्टिक जर्नल, डिफाइन कंपनी, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, इसको आपको एग्जीक्यूट करना है डबल क्लिक। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी डिलीट चेक प्लान, जैसे कि हमने क्लाइंट के केस में किया था, कंपनी कोड के केस में किया था। तो जाएंगे कॉपी ऑर्ग ऑब्जेक्ट, फ्रॉम प्लांट, तो मैं ले लेता हूं फ्रॉम प्लांट पीपी। अभी मेरा प्लांट क्या है, PPNO, तो मैं फ्रॉम ले लेता हूँ PPNA टू PPNO, एंटर। यस, नंबर रेंजेस के लिए एंटर।
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा रिक्वेस्ट के लिए, कंटिन्यू। यस, गो टू कंप्लीटेड एक्टिविटीज, प्लांट PPNA कॉपी टू PPNO, गो बैक। अब आपको अपना प्लांट डिफाइन करना, हमने कॉपी कर लिया, अब हम डिफाइन करेंगे यानी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो गो टू पोजीशन PPNO, सेलेक्ट करो डिटेल्स में जाओ, तो जैसे कि मैंने जो कॉपी किया है मैंने उसको ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, पहले ही डिफाइन कर रखा है प्लांट को, तो मेरी इन्फॉर्मेशन सेम है, आपको अपनी चेंज करनी है। जैसे मेरी स्लाइटली चेंज है, मेरा जो कोड है वो है PPNO नोएडा प्लांट। उसके बाद आपको जाना है, आपको जाना है एड्रेस सेक्शन में, एड्रेस, और आपको यहाँ पर अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो है चेंज करना है। तो ये था PPAN Automotive Limited Noida Plant, राइट। यहाँ पर आपको देना है अपना अपने प्लांट का प्लांट कोड, तो मेरा है PPNO, राइट। बाकी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है बाकी जो है सेम है, आप अपनी चेंज करोगे, स्ट्रीट या हाउस नंबर जो आपका है, पोस्टल कोड जो आपका है, वो अपना चेंज करोगे। एंटर, गो टू सेव PPAN ऑटोमेटिव लिमिटेड, एंटर। तो हमारा एक प्लांट जो है क्रिएट हो गया है। जैसे हमारे दो प्लांट थे, एक प्लांट नोएडा में है, अनदर प्लांट गुजरात में है, तो जो नोएडा वाला प्लांट है वो हमने डिफाइन कर लिया, अब हम गुजरात वाला प्लांट डिफाइन करेंगे, राइट। और ये देखो आपको नोट्स में एकदम वेल डिफाइन मैनर में है, ये रहा आपका पाथ, राइट, ये रहा आपका नेविगेशन, गो टू SPRO, आपकी ये स्क्रीन ओपन होगी। IMG में आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है, डेफिनेशन में जाना है, लॉजिस्टिक जर्नल में जाना है, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट में जाना है, उसमें जाके एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर डबल क्लिक करके, उसके बाद फिर आपको कॉपी डिलीट चेक प्लांट सेलेक्ट करना है डबल क्लिक करके, कॉपी एज करना है, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट लेना है, क्लिक एंटर। आपको एकदम वेल डिफाइंड मैनर में नोट्स दिए गए हैं, राइट। तो ये अपना प्लांट डिफाइन हो गया, एक प्लांट डिफाइन हो गया, अब हम दोबारा करते हैं, राइट, एकदम वेल डिफाइंड मैनर में है, यहां से एड्रेस को सेलेक्ट करना है, एकदम वेल डिफाइंड मैनर में आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। अब हम करेंगे स्टोरेज लोकेशन डिफाइन करने से पहले हम दूसरे प्लांट को डिफाइन कर लेते हैं, तो दोबारा से ऑब्जर्व करना, हम क्या करते हैं, गो बैक एकदम स्टार्टिंग से करते हैं, कहाँ जाएंगे, SPRO reference IMG enterprise structure definition logistic channel define copy delete check plant में execute करो, copy delete check plant में double click, copy as, right, PP from plant, मैं ले रहा हूँ PPGA
से PPGT, ये रहा हमारा फ्रॉम प्लांट। और जो प्लांट मेरे को लेना है वो मैंने लिया है, जो मेरा प्लांट का नेम है, जो कोड है मेरे प्लांट का वो है PPGT, फोर अल्फा न्यूमेरिक। आप फोर अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी ले सकते हो, बट कंडीशन है कि वो ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑलरेडी किसी ने वो क्रिएट ना किया हो। अगर ऐसा हो, लेट सपोज कि ऑलरेडी वो किसी ने क्रिएट किया है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको ऐसे शो होगा, जैसे मैं यहाँ पर KR01 लेता हूँ और मैं यहाँ लेता हूँ टू प्लांट में जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है PPNA, तो आपको ऐसे शो होगा डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज आपको पॉपअप हो जाएगा प्लांट PPNA फॉर द, ये आपको मैसेज जो है वो होगा, तो आपको कैंसिल करना है, राइट, कॉपी एस, तो आपको कुछ और नेम दे देना है, ठीक है, कुछ और कोड दे देना है, आप लास्ट का थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर लेना, जैसे कि PPNA था ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं ले लूँगा, क्या ले लूँगा, PPGA ऑलरेडी एग्जिस्ट है, PPGA ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं ले लूँगा PPGT, एंटर, ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस, एंटर, 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 ये एंटर करना है आपको, एंटर। तो कंप्लीटेड एक्टिविटीज में आपको जाना है और आपका प्लांट PPGA कॉपीड हो चुका है PPGT में, राइट। फिर आपको बैक जाना है और आपको डिफाइन करना है प्लांट को, डबल क्लिक ऑन डिफाइन प्लांट, पोजीशन में जाना है, अपने प्लांट का नेम देना है PPGT, एंटर करना है, ये आ गया आपका प्लांट, सेलेक्ट करना है, डिटेल्स में जाना है, राइट। और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने जो प्लांट है आपका, उसका डिटेल्स देना है, मेरा है PPGT, प्लांट PPGT ही है ना, यस PPGT। सो आपको करना है एंटर, फिर आपको जाना है एड्रेस सेक्शन में, आपको यहां से सेलेक्ट करना है कंपनी, आपको अपने प्लांट की अपने प्लांट का नेम देना, अपनी कंपनी का नेम देना है, लाइक ये नेम देना है आपको, जैसे मेरा है PPGT ऑटोमोटिव लिमिटेड, लिमिटेड गुजरात प्लांट, गुजरात प्लांट, राइट। ये आपको करना है PPGT, आपका अपना कोड, जो प्लांट का कोड है वो देना है गुजरात, और ये आपको डिटेल्स देनी है लाइक पोस्टल कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको देनी है, एंटर, सेव, एंटर, गो बैक। देखो अब आपका जो प्लांट जो है गुजरात का प्लांट वो डिफाइन हो चुका है, आप डिटेल्स में जाके देख सकते हो, आप एड्रेस में जाके चेक कर सकते हो, राइट। सो ये हमने डिफाइन कर लिया प्लांट, ये देखो आपको बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में नोट्स के अंदर जो है अवेलेबल है सारी चीजें। ये आपका पाथ डिफाइन स्टोर, पाथ फॉर स्टोरेज लोकेशन,
ये रहा आपका पाथ प्लांट के लिए, राइट right? ये रहा आपका प्लांट के लिए पाथ, देन हम डिफाइन करेंगे क्या स्टोरेज लोकेशन। हमने डिफाइन कर लिया क्लाइंट या कंपनी, हमने डिफाइन कर लिया कंपनी कोड, हमने डिफाइन कर लिया प्लांट, अब हम डिफाइन करेंगे स्टोरेज लोकेशन। अब अपन देख लेते हैं कि डिफाइन स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन को कैसे डिफाइन करना है। तो पाथ होता है ये, दिस इज द पाथ, ये आपका पाथ है SPRO IMG इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। यहां तक तो देखो सेम है डिफाइन तक, उसके बाद आगे का डिफरेंट है मेटल मैनेजमेंट मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि आपको डेफिनेशन तक तो सबका सेम मिलेगा, आपको अगर डिफाइन करना है क्लाइंट या कंपनी कोड तो डेफिनेशन के बाद आपको जाना होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अगर आपको डिफाइन करना होगा प्लांट तो आपको डेफिनेशन के बाद जाना होगा लॉजिस्टिक जर्नल में, वही अगर आपको डिफाइन करना होगा मैन स्टोरेज लोकेशन या फिर आपको डिफाइन करना होगा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन तो आपको जाना होगा डेफिनेशन के बाद मटेरियल मैनेजमेंट में। चलो देख लेते हैं, लॉग ऑन, SAP 3-2-1 एंटर, गो टू SPRO, SPRO में जाना है, IMG में जाना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन, आपको जाना है मटेरियल मैनेजमेंट में, नेविगेट टू मटेरियल मैनेजमेंट, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, इसमें जाके एग्जीक्यूट करना है डबल क्लिक। अब आपको पहले प्लांट देना पड़ेगा, तो हमारे इस प्लांट के भी तीन स्टोरेज लोकेशन है, इस प्लांट के भी तीन स्टोरेज लोकेशन है, तो आपको प्लांट देना होगा PPNO फर्स्ट, PPNO, PPNO, एंटर, स्टोरेज लोकेशन, ये जो ऑलरेडी स्टोरेज लोकेशंस हैं इनको आपको डिलीट करना है। अपनी स्टोरेज लोकेशन क्या थी, PPSA, PPSP, PPSC, तो ये जो स्टोरेज लोकेशन है इनको सेलेक्ट करना है, या तो आप वन बाय वन सेलेक्ट करो या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर लो। डिलीट करने के लिए ये है आपका डिलीट, डिलीट, एंटर, सेव करो, यस। अब आपको जो है न्यू एंट्रीज में जाना है, न्यू एंट्रीज, आपको स्टोरेज लोकेशन का कोड देना है, क्या है कोड, PPSA, PPSB, PPSC, स्टोरेज लोकेशन 1, स्टोरेज लोकेशन 2, स्टोरेज लोकेशन 3। आपको अपनी स्टोरेज लोकेशन देने के बाद एंटर करना है, एंटर, उसके बाद आपको करना है सेव, आपकी स्टोरेज लोकेशन सेव हो गई हैं। आप दोबारा से ओपन करके भी देख सकते हो, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन PPNO, एंटर, लुक PPSA, PPSB, PPSC, तीन स्टोरेज लोकेशन है, गो बैक। आपको नोट्स में एकदम वेल डिफाइंड मैनर में दिया है, SPRO, डेफिनेशन, मेंटे मटेरियल मैनेजमेंट, नेविगेट टू मटेरियल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूट टू मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, आपको यहाँ से प्लांट सेलेक्ट करना है, एंटर, इसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट ऑल, यह है सेलेक्ट ऑल के लिए, क्लिक सेलेक्ट ऑल, उसके बाद सारे सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट करना है, राइट ये आपका पॉपअप मैसेज आएगा, नंबर ऑफ डिलीटेड एंट्रीज 3, जो कि आया था हमारे केस में। उसके बाद न्यू एंट्रीज पे जाना है,
न्यू एंट्रीज के लिए ये एंटर करनी है आपकी, जो आपकी स्टोरेज लोकेशंस का आपने जो कोड दिया है 4 अल्फा न्यूमेरिक, इसकी मैक्सिमम रेंज 4 अल्फा न्यूमेरिक होती है स्टोरेज लोकेशंस का, जो भी आपने कोड दिया है, जैसे मैंने PPSA, PPSB और PPSC दिया था, वो आपको देना है और आपको मेंशन करना है डिस्क्रिप्शन में स्टोरेज लोकेशन 1 इज VS01, स्टोरेज लोकेशन 2 इज VS02 एंड स्टोरेज लोकेशन 3 इज VS03। एंटर करना है, उसके बाद रिपीट द स्टेप एवर फॉर क्रिएशन ऑफ स्टोरेज लोकेशन फॉर अदर प्लांट्स। हमने अभी एक प्लांट के लिए किया है, यही हम दूसरे प्लांट के लिए भी करेंगे। गो टू, दोबारा से कर लेते हैं जिसे आपको पाथ हो, पाथ जो है याद हो जाए, backslash spro रेफरेंस IMG इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, नेविगेट टू डेफिनेशन, नेविगेट टू मटेरियल मैनेजमेंट, नेविगेट टू एग्जीक्यूट टू मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, डबल क्लिक। अब क्या है PPGT, एंटर। जो पहले से अवेलेबल है इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट ऑल कर लो, वैसे तो एक ही एंट्री है, एक से ज़्यादा एंट्री होती है तो सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट कर दो। यस, न्यू एंट्रीज में जाओ, यही मेरे दूसरे प्लांट के लिए भी हैं। एंटर, सेव, एंटर, कंटिन्यू। ये आपके दोनों प्लांट्स के लिए स्टोरेज लोकेशंस जो हैं डिफाइन हो गई हैं। राइट, बैक जाते हैं, बैक। अब अपन को क्या करना है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है। तो ये रहा उसके लिए पाथ, पाथ कहाँ तक सेम है, मेटेरियल मैनेजमेंट के बाद आपको मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशंस को सेलेक्ट करना है। लुक, मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूट, डबल क्लिक। अब आपको यहां से न्यू एंट्रीज में जाना है, आपको अपने परचेज ऑर्गेनाइजेशंस देनी है, लाइक ये मेरी है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हो। राइट, एंटर, राइट, राइट, एंटर, सेव, एंटर। PPP1 है परचेज ऑर्गेनाइजेशन नोएडा प्लांट के लिए और PPP2 है परचेज ऑर्गेनाइजेशन गुजरात प्लांट के लिए। राइट, आप नोट्स में देख लो। न्यू एंट्रीज की थी हमने, राइट, उसके बाद हमने अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन दिया, उसके बाद आपको एंटर करने के बाद ये आपका रिक्वेस्ट का जो प्रॉम्प्ट आता है वो ओपन होगा, आपको एंटर करना है, एंटर करना है, सेव हो जाएगा। तो हमने क्या क्या करा, हमने डिफाइन करा
क्लाइंट, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या डिफाइन किया? कंपनी या क्लाइंट, फिर हमने डिफाइन किया कंपनी कोड, फिर हमने डिफाइन किया प्लांट, फिर अपन ने डिफाइन किया स्टोरेज लोकेशन एंड एट लास्ट हमने अभी डिफाइन किया परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अब हम करेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट क्यों करते हैं? असाइनमेंट में हम क्या क्या करेंगे? असाइन करेंगे कंपनी कोड को कंपनी के साथ, असाइन करेंगे प्लांट को कंपनी कोड के साथ, असाइन करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ, और असाइन करेंगे परचेजिंग ऑर्ग को प्लांट के साथ। मगर क्यों? अब असाइनमेंट हम करते क्यों हैं? आखिर जरूरत क्या है असाइनमेंट की? तो असाइनमेंट इसलिए हम करते हैं, जैसे जो आपका SAP सिस्टम है, ये जो आपका SAP सिस्टम है, SAP सॉफ्टवेयर, हम असाइन इसलिए करते हैं कि अगर हमने जो अपना क्लाइंट डिफाइन किया है, हमने कंपनी कोड भी डिफाइन किया है, अगर हम कंपनी कोड को क्लाइंट के साथ अगर असाइन नहीं करेंगे तो सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि ये जो कंपनी कोड है वो रिलेटेड है इस क्लाइंट के या इस कंपनी के? तो इसके लिए हमको असाइन करना होता है कंपनी कोड को कंपनी के साथ या क्लाइंट के साथ। हम प्लांट को असाइन करते हैं कंपनी कोड के साथ, तभी तो अपने सॉफ्टवेयर को, SAP सिस्टम को पता चलेगा कि ये जो प्लांट्स हैं, ये मेरे जो दो या तीन जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे इस कंपनी कोड से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इसको असाइन करते हैं कंपनी कोड के साथ। ऐसा ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस का है, जो हमने क्रिएट किए हैं दो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो कैसे पता लगेगा कि ये कंपनी स्पेसिफिक है, प्लांट स्पेसिफिक है या फिर सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो असाइन करने के बाद ही तो पता लगेगा ना कि हम असाइन करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ, उसके बाद असाइन करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट के साथ। आप में से कोई बता सकता है कि सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे या नहीं करेंगे? फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ। कि मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर लेट सपोज कि एक सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हम कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे या नहीं करेंगे? राइट, जिसने भी आंसर किया है वेरी गुड, एंड जिसने नहीं किया वो सुनो कि जो हम सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं करते हैं, मैंने उस क्लास में भी बताया था आपको, अदरवाइज वो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही परचेजिंग एक्टिविटीज करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो जो सेंट्रल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के साथ असाइन करते हैं, राइट? तो बाकी जो प्लांट स्पेसिफिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन है या क्रॉस प्लांट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम असाइन करेंगे कंपनी कोड के साथ भी और प्लांट के साथ भी। सही पकड़े हैं, राइट? तो अभी हम अपन कर लेते हैं असाइनमेंट। सो पहला है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ठीक है, तो बात क्या है? SPRO, IMG, Enterprise Structure, Assignment, Financial Accounting, Assign Company Code to Company। लॉगिन कर लेते हैं।
आपको जाना है SPRO Enterprise Structure में नेविगेट करना है, गो टू असाइनमेंट, असाइनमेंट में नेविगेट करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जीक्यूट करना है, और असाइन कंपनी कोड टू कंपनी एग्जीक्यूट, आपको पोजीशन में जाना है, अपना कंपनी कोड डालना है PPAN, एंटर, ये रहा अपना कंपनी कोड। तो ये देखो, ये जो कंपनी कोड है वो किसी भी कंपनी के साथ अभी असाइन नहीं है, तो हम इसको असाइन करेंगे अपनी कंपनी के साथ या क्लाइंट के साथ। तो अपना क्लाइंट क्या है, PPAP02, यही क्लाइंट है और यही कंपनी है। जो कंपनी का नेम होता है उसको हम कहते हैं अपना क्लाइंट। जैसे डाबर जो है वो क्लाइंट है, DABUR, वो क्लाइंट होगा। कंपनी कोड हम कुछ भी दे सकते हैं, तो डाबर जो है क्लाइंट है। होंडा HONDA क्लाइंट होगा, राइट। रिलायंस क्लाइंट होगा, राइट। बट वो जो है मैक्सिमम 5 अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। सो कंट्रोल सी आपको यहां पर देना है अपना कंपनी या क्लाइंट PPAP02, सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, सेव करना है। ये प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट ओपन होगी, एंटर करना है, राइट। गो बैक, तो हमने क्या कर लिया, हमने असाइन कर दिया कंपनी कोड को कंपनी के साथ। ये देखो आपको एकदम वेल डिफाइंड मैनर में नोट्स दिए गए हैं, एक एक सिंगल स्टेप्स दिया गया है, क्लिक एंटर एंड सेव, क्लिक एंटर। इवन दो फिफ्थ और सिक्स क्लास स्टैंडर्ड का बच्चा भी, स्टूडेंट भी जो है इजीली इसको सीख सकता है नोट्स के थ्रू और लेक्चर्स के थ्रू। अब अपना साइन करेंगे प्लान टू कंपनी कोड, राइट। सो पाथ क्या है, ये आपका पाथ है SPRO IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट लॉजिस्टिक चैनल असाइन प्लांट्स टू कंपनी कोड। तो कहाँ जाना है असाइनमेंट में, लॉजिस्टिक चैनल में। प्लांट को असाइन करने के लिए कंपनी कोड में आपको जाना है लॉजिस्टिक चैनल में, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड एग्जीक्यूट। आपको यहां से पोजीशन में जाना है, अपने प्लांट का नाम देना है। तो प्लांट है मेरे दो, एक है PPNO, एक है PPGT, एक है PPNO, एंटर। प्लांट क्या है आपका, PPNO या फिर PPGT, प्लांट जो है सो नहीं कर रहा है। एक बार अपन ऐसे देख लेते हैं, ये रहा आपका PPGT, राइट, और ये रहा आपका, पर अपना कंपनी कोड तो PPAP नहीं है, अपना कंपनी कोड है PPAN, तो ये अपन का नहीं है।
पीपीजीटी एंड पीपीएनए, पीपीजीटी एंड पीपीएनए, ये देखो एक ये है अपना प्लांट पीपीएनओ और एक ये है अपना पीपीजीटी, पर जो कंपनी कोड है वो गलत असाइन हो रखा है यहाँ भी और यहाँ भी। हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट। अब हम जाएंगे न्यू एंट्रीज पे, न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड क्या है अपना, कंपनी कोड देंगे PPAN, प्लांट क्या है एक है PPNO और दूसरा सेम कंपनी कोड, दूसरा प्लांट क्या है PPGT। आपको एंटर करना है, ये देखो आपकी नेम ऑफ प्लांट और कंपनी नेम ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, राइट। नाउ सेव, एंटर। तो हमने असाइन कर लिया, क्या क्या असाइन कर लिया, अपन ने असाइन कर लिया कंपनी कोड टू क्लाइंट एंड प्लांट टू कंपनी कोड, राइट। अब हम असाइन करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू क्लाइंट एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। पहले असाइन कर लेते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, ये रहा आपका पाथ, पाथ SBRO, IMG, Enterprise Structure, Assignment, Material Management, Assign Purchasing Organization to Company Code. Go back, या फिर directly /NSBRO/NSBRO, Enter, IMG, Enterprise Structure, असाइनमेंट। अब आपको जाना है मेटेरियल मैनेजमेंट में, असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, एग्जीक्यूट, पोजीशन। तो आपको क्या करना है, देखो पाथ SBRO, IMG, Enterprise Structure, Assignment, Material Management, Assign Purchasing Organization to Company Code, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अपना Purchasing Organization को Position करना है। क्या था अपन का Purchase Organization, दो Purchase Organization थे हमारे, एक था आपका PPPPP1 और दूसरा था PPPP2। मतलब एक था नोएडा के प्लांट के लिए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था गुजरात के प्लांट के लिए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये गुजरात के प्लांट के जो परचेजिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेगा PPP2 एंड PPP1 देखेगा नोएडा के प्लांट्स के लिए। तो हम लेंगे PPP1, एंटर, ये रहा आपका प्लांट, बस आपको कंपनी कोड यहाँ देना है। तो क्या है कंपनी कोड, PPAN, राइट। और ये रहा आपका दूसरा, और यहाँ क्या है आपका कंपनी कोड PPAN, सेम कंपनी कोड, एंटर करना है। ये देखो आपको कंपनी नेम डिटेल्स आ गई, दोनों को सेलेक्ट करके सेव करना है, सेव। अब आपका ये भी असाइन हो गया। अब आपको असाइन करना है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ये है आपका लास्ट स्टेप, परचेज
आपको असाइन करना है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के लिए। तो ये रहा आपका पाथ, असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। आई थिंक वो मिसिंग है नोट्स में। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी मेंशन कर दूंगा नोट्स में अटैच करने से पहले। आपको जाना है सिंपली असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, एग्जीक्यूट पोजीशन, क्या है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन PPP1। ये किस प्लांट के लिए है? PPNO, एंटर। देखो PPP1, PPP1 एंड PPP2, ये अपन का नहीं है। तो अपन को जाना है न्यू एंट्रीज में, न्यू एंट्रीज। आपको अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन देना है PP01। किस प्लांट के लिए है ये किस प्लांट के लिए है वो आपको देना है PPNO। दूसरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन PP02। किस प्लांट के लिए? PPGT। एंटर करोगे तो डिस्क्रिप्शन, नेम, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एंटर एंड एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम की। तो मैं PP01 नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। वैसे मेरा था PPP1, क्या था? PPP1। एंटर, वन बाय वन देना पड़ेगा। एंटर। नाउ सी नेम और डिस्क्रिप्शन कॉपी हो गया सिस्टम से क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। सो सेव कर दो, सेव, एंटर। तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना डेफिनेशन पार्ट, अपना असाइनमेंट पार्ट। तो आप किसी भी कंपनी के लिए डिफाइन और असाइन कर सकते हो। हमने क्या क्या किया था एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया था कंपनी या क्लाइंट, डिफाइन किया था देन कंपनी कोड, उसके बाद हमने डिफाइन किया था प्लांट्स, उसके बाद हमने डिफाइन किया था स्टोरेज लोकेशन, देन हमने डिफाइन किया था परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। और असाइनमेंट में हमने असाइन किया था कंपनी कोड को कंपनी के साथ, प्लांट को कंपनी कोड के साथ, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट्स के साथ, राइट? ये आपको नोट्स में एकदम वेल डिफाइंड मैनर में आपको जो है अवेलेबल है। आपको स्टार्टिंग में एकदम ईजी लेना है। ईजी मतलब एक क्लाइंट तो एक ही रहता है, कंपनी कोड आपको एक ही लेना है स्टार्टिंग में, प्लांट आपको मैक्सिमम दो लेने हैं, दो से ज़्यादा नहीं लेने हैं, स्टोरेज लोकेशन दो या तीन ले लेना, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लांट स्पेसिफिक लेना है, जितने प्लांट उतने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? पहले हम ईजी से करते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा जो डिफिकल्ट होंगे उसका करेंगे। और यही होता है E2E इम्प्लीमेंटेशन जो अभी हम कर रहे हैं, राइट? आप एकदम SAP MM कंसल्टेंट की तरह किसी भी कंपनी के लिए जो है E2E, इसी को हम E2E इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट करते हैं। आप किसी भी कंपनी का अगर E2E इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट अगर करते हो तो पहले डेफिनेशन असाइनमेंट से ही स्टार्ट करते हो। तो अगर हमको अगर अपनी कंपनी का स्ट्रक्चर अगर देखना हो तो वो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हम ट्रांजेक्शन कोड यूज़ करेंगे EC01। EC01, एंटर। स्ट्रक्चर में जाना है, नेविगेशन में जाना है, क्लिक ऑन द नेविगेशन, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, इसको एंटर करना है,
उसके बाद ये आपका ये जो है स्क्रीन ओपन होगी, आपको कंट्रोल एफ शॉर्ट की यूज़ करना है, आपको अपना कंपनी कोड एंटर करना है, एंटर करना है, आपका कंपनी कोड यहाँ से एंटर हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक करना है, ये पेज ओपन होगा, उस पर आपको पी पी ए एन पर डबल क्लिक करना है। ये देखो, ये आपका आप कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो गया है। आपका कंपनी कोड है पी पी ए एन, पी पी ए एन फाइनेंशियल, आपका क्लाइंट है पी पी ए पी 02, आपने जो कॉपी किया था वो कंट्रोल एरिया 1000 से कॉपी हुआ है, बाकी आपकी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन पी 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 1 और पी 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 2 है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो आपके पी पी ट्रिपल पी 1 जो था वो किस कंपनी कोड के लिए था, पी पी ए एन के लिए, और उसके लिए प्लांट कौन कौन से प्लांट थे, पी पी एन ओ, मतलब जो पी पी 1 जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन था वो असाइन था किस प्लांट के लिए, पी पी एन ओ के लिए। सिमिलरली पी 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 2 जो था वो असाइन था पी पी जी टी प्लांट के लिए, राइट। इसको अगर आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करते हो डबल क्लिक, तो आपको अपनी स्टोरेज लोकेशन भी ओपन हो जाएंगे, शिपिंग पॉइंट्स भी ओपन हो जाएंगे। शिपिंग पॉइंट ये सब हमने नहीं मैनेज किए हैं, ये ऑलरेडी कॉपी हुए हैं वहाँ से, ऑलराइट। सो ये सारा, ये इसको हम कहते हैं आपका स्ट्रक्चर। तो आपको एज ए स्टूडेंट धर्मा ये आपको सेंड करने हैं एटलीस्ट 5, इनके स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करने हैं, 5 कंपनियों के स्क्रीनशॉट, राइट। ये आपको मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है स्टूडेंट धर्मा का टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है, ओके। तो हम लॉग आउट कर देते हैं नाउ। ये देखो एकदम वेल डिफाइंड मैनर में आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, और आपको ये स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे को, राइट। 5 कंपनीज का, या स्टूडेंट धर्म है। अगेन वॉच लेक्चर एंड डू डेफिनेशन एंड असाइनमेंट फॉर एटलीस्ट 5 ऑर्गेनाइजेशन, सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ओके। सो अभी मेरा चोमू जो स्टूडेंट है एज यूजुअल आपसे कुछ कहना चाहता है, बोलो भाई चोमू। ये का बवासीर बना दिए हो? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तुम्हारे कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? हाँ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर। लाइक करो अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर, शेयर करो उनके साथ जिनको रियली इसकी नीड है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल सकें व्हेनेवर मैं जो है लेक्चर अपलोड करूं। सो थैंक्स अ लॉट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए।